नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव और विकास दुबे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। विकास के अलावा उज्जैन में उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश भी अब कस्टडी में है। पूछताछ हो रही है विकास के ससुराल उज्जैन में, बताया जा रहा है। वही कल रात 8:30 बजे के लगभग उज्जैन के DM आशीष सिंह और कप्तान विनोद कुमार भारी हड़बड़ाहट में श्री महाकाल मंदिर पहुंचे। दोनों ने महा अनुभव दर्शन भी किए थे। मंदिर परिसर के कक्ष में मंथन भी चला सुबह विकास दुबे ने, लेकिन सरेंडर किया उज्जैन के महाकाल मंदिर से। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से पुलिस लगातार 6 दिन से विकास की तलाश में थी और आज उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे जो है वो पकड़ा गया, साथ ही ये अपडेट भी निकल कर सामने आ रही कि विकास के दो साथी और भी पकड़े गए, उनको भी कस्टडी में ली है पुलिस, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है और क्या अपडेट है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे की एक रहस्यमयी जो गिरफ्तारी हुई है वो मध्य प्रदेश से हुई है। यूपी पुलिस दम भर रही थी कि पूरी जो हर जनपद की सीमाएं सील हैं, कहीं से भाग नहीं पाएगा और वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद से मध्य प्रदेश 14 घंटे की दूरी, वो एक रात में कैसे पूरी कर पाया बिना किसी सुरक्षा, अकेले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से उसने अपनी गिरफ्तारी कराई है, ये बड़ी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उसे भी मालूम था महाकाल मंदिर जैसा बड़े मंदिर में पुलिस गोली नहीं चलाएगी। उसने अपने इनकाउंटर से बचने के लिए ये बड़ी रणनीति अपनाई और उसमें वो सफल रहा। और जहां तक यूपी पुलिस की बात की जाए तो यूपी पुलिस फेल होती दिख रही है, क्योंकि जो सिस्टम था, जो इतने मैन पावर थी, इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, सर्विलांस था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। रही बात मध्य प्रदेश पहुंचने की, तो एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे की ससुराल थी और वो अपने ससुराल में ही जाकर रात में रुका था और उसके साथ दो अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं, बिट्टू और सर्वेश। बिल्कुल, पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बिट्टू तो जहां तक उसके साले का नाम है और वो साला भी उसके साथ गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने एक और कार्रवाई की है, दो वकीलों को भी गिरफ्तार किया है जो उसे सरेंडर कराने की योजना में लगे हुए थे जिला कचहरी में, लेकिन वो भी असफल हुए, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय, विकास के सरेंडर से पुलिस की एक बड़ी नाकामयाबी साफ होती दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले 6 दिन से पुलिस जो है वो लगातार उसकी तलाश कर रही है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, उसने खुद टिकट कटवाई और खुद अपने आप को कैमरे पर सरेंडर किया है। देखिए, ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा था। यूपी पुलिस रणनीति नहीं बना पाई। यूपी पुलिस अगर इस रणनीति को समझ पाती कि आखिरकार वो अपनी गिरफ्तारी के लिए ही इतनी भाग दौड़ कर रहा था, 5 दिन से जो यूपी पुलिस उसके पीछे पीछे थी वो आगे आगे था, वो जहां जाता था उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती थी, पता चलता था कि वो वहां से गायब हो गया। ये रणनीति फेलियर का ही एक हिस्सा है। अगर उसकी रणनीति देखी जाए तो वो सफल रहा, क्योंकि उसको अपने इनकाउंटर का पूरा डर था, क्योंकि योगी सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सख्त एकदम रुख अपनाए हुए थे कि उसे हर कीमत पर या तो इनकाउंटर में मार दिया जाए या तो यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ले 24 घंटे के अंदर। वैसा हो नहीं सका, इस वजह से उसने अपनी रणनीति के तहत एक बड़े मंदिर में अपना समर्पण किया। और जहां तक बात की जा रही है कि कांग्रेस के एक MP ने ट्वीट भी किया है कि आखिरकार MP के मंदिर में देर रात DM और SP क्या करने गए थे, और दूसरी चीज आखिरकार सुबह अचानक 7 बजे पर्ची कट गई, उसके नाम की पर्ची कैसे कट गई और उसके नाम पर क्या उसने कोई अन्य नाम बताया था या क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद वो मंदिर पहुंच गया था और दर्शन भी कर चुका था। सूत्रों का ये दावा है कि उसने दर्शन भी कर लिया था और एक कुर्सी पर बैठा था जहां उसने गार्ड से चिल्लाकर कहा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, जिसके बाद गार्ड से हरकत हुई और वहां पे जो लोकल लोग थे, गार्ड से सुरक्षा कर्मी थे, उनको बुलाया गया और उसे पकड़ा गया। उसके बाद बड़े आराम से वो निकल के जा रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, तब उसने जोर जोर से फिर चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इसका मतलब है कि वो खुद चाहता था कि लोग उसे जाने कि मैं विकास दुबे हूँ और मुझ पर पुलिस अटैक न करे या इनकाउंटर जैसी कोई बात उसके साथ न हो पाए। विजय, अब क्या पुलिस आगे और क्या जांच करेगी, क्या पूछताछ करेगी इसको लेकर? जांच के लिए जहां तक बात की जाए, ADG LO ने बयान दिया है कि यूपी पुलिस अब उसे रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी कि आखिरकार उसके साथ साथ कौन कौन साथी थे, कौन कौन से असलहे थे। पुलिस उन असलहों को भी रिकवर करने का प्रयास करेगी जो पुलिस से लूटे गए थे
और एक एक बड़ी बात ये भी है कि पुलिस लगातार इस बात को कहने से बच रही थी कि हम असफल हुए हैं, लेकिन एडीजी एलओ ने कहा कि हम पूरे देश की पुलिस एक बराबर है, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो चाहे यूपी की पुलिस हो। तो ये भी एक कहा जाए तो लापरवाही ही होगी कि यूपी पुलिस इसमें नाकाम रही और एमपी पुलिस का कोई विशेष इसमें योगदान भी नहीं रहा, क्योंकि उसने खुद अपने आप को सरेंडर किया है। तो एमपी पुलिस ये भी नहीं दावा कर सकती बहुत ज्यादा कि उसने उसे पकड़ लिया। विजय, विकास दुबे के सरेंडर के बाद विपक्ष में वो कितना हमलावर होने वाला है? जैसे विपक्ष की जहां तक बात की जाए तो विपक्ष ने लगातार सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार यूपी में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आखिरकार इन दोनों राज्यों में ही वो क्यों घूमता रहा। अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट कर कहा कि आखिरकार ये संयोग है या फिर कोई ऐसी सोची समझी साजिश। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज उसकी मां ने बड़ा खुलासा किया है कि वो अभी भाजपा में शामिल नहीं थे, यानी मां ने उसकी सरला दुबे जो हैं उनकी आज सुबह एक पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या उनके उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका साफ कहना था कि योगी सरकार बड़ी सरकार है, चाहे जो करे वो उनकी इच्छा है, लेकिन वो इस वक्त भाजपा में नहीं थे, वो इस वक्त सपा में थे। यानी अखिलेश यादव पर भी एक सवालिया निशान है कि उन्हें भी शायद ये नहीं पता है कि उनकी पार्टी में ऐसे अपराधी ज्वाइन हो चुके थे और उनको इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय इन तमाम जानकारी के लिए। तो जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि विकास दुबे के अलावा जो और साथी थे बिट्टू और सुरेश, वो दोनों भी कस्टडी में है, उसमें से एक उसका साला बताया जा रहा है। साथ ही विकास दुबे की मां ने जो मीडिया को जानकारी दी है उसमें ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि विकास दुबे का ससुराल जो है वो मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। आप सुनिए विकास दुबे की मां मीडिया से क्या जानकारी दे रही है। बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डर ही रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या रिश्तेदारी? नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं करते जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा हुई है वो खुदा ही बताई है। वो जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की, क्या हर साल जाते थे? वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। वही विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या बोले, आप वो भी आपको वो भी सुनाते हैं। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। गैंगस्टर विकास दुबे जब उज्जैन के मंदिर पहुंचे और किस तरह से वो अंदर घुसा मंदिर में तैनात बॉडीगार्ड जो थे वो जानकारी दे रहे हैं, आप सुनिए खुद। हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया ना ये? 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था?
जी हाँ, वो दो तीन लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। अभी कहाँ पे है उनको पकड़ के? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। तो विकास दुबे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से सरेंडर किया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल और क्या जानकारी होगी और क्या अपडेट होगा, इस पर हम आपको लगातार साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए एक्सपोजर लिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.